ग्राम कसेर जिला कैमूर स्थित वार्ड नंबर 9 में आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका का मृत्यु हो जाने के कारण उस आंगनबाड़ी में 6 साल से आंगनबाड़ी केंद्र का साफ सफाई एवं बच्चों को समय अनुसार पका पोषाहार नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से 40 बच्चे एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को साफ सफाई एवं कुपोषण एवं पका हुआ पोषाहार से वर्जित रखा जा रहा है। आपके गांव आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या समस्या है? समस्या है कि सहायिका नहीं है, सहायिका नहीं रहने के कारण बहुत सी समस्या है। जाकर 9 बजे अपना सेंटर खोलना है, साफ सफाई करना है, बच्चों को बुलाना है, बच्चों को बुला करके मतलब कि कुछ कविता कहानी कुछ बताना पड़ता है, उसके बाद पोषाहार बनाना पड़ता है, बना कर बच्चों को खिलाकर साफ सफाई केंद्र के साफ सफाई बच्चों को साफ सफाई बच्चों को शिक्षा जितना देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं। समय कुछ बच्चों को शिक्षा के तहत हमको बिताना चाहिए तो पोषाहार बनाने में बीत जाता है। सहायिका कितने दिनों से नहीं है? सहायिका 6 साल से नहीं है। तो सहायिका हो गया कि सहायिका मेरी हो बहाली हो जाएगी तो हमको बहुत सुविधा होगा। बच्चों को शिक्षा जितना देना है उतना दे पाएंगे, सहायिका अपना काम करेगी, हमको बच्चों को शिक्षा देना है, अपने रजिस्टर मेंटेन करना है, सब कुछ समय से कर पाएंगे जो कि नहीं हो रहा है। इस वीडियो को जो भाई बहन देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि CDPO का मोबाइल नंबर 94 31 00 51 24 पर कॉल कर दबाव बनाएं और मेरी मदद करें सहायिका का बहाल करने में। मैं ममता देवी, गांव राजपुर, जिला कैमूर, राज्य बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।